लालकुआ मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अशोक पांडे ने राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे सोमवार की शाम नैनीताल दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ में पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए 82 लाख रुपए की लागत से नैनीताल दुग्ध संघ में स्थापित FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उक्त मशीन को चलाकर बारीकी से उसकी जांच भी की और इस दौरान उन्होंने दही दूध मक्खन और पनीर उत्पादन के संयंत्र देखे और अत्याधुनिक संयंत्र को देखकर उनकी जमकर तारीफ भी की। निरीक्षण के पश्चात दुग्ध संघ के प्रशासनिक कार्यालय में उन्होंने कर्मचारियों को 100% व निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ भी दिलाई। इसके अलावा नैनीताल दुग्ध संघ परिवार में 82 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दुग्ध संघ अत्याधुनिक प्लांट के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश सिंह बोरा, दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। लालकुआ से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। किया है किस तरीके के आपको देखने को मिला आज यहाँ पर? बिल्कुल सबसे बड़ी डेयरी दूध संघ है पूरे उत्तराखंड का, क्या कहना चाहेंगे सर आज निरीक्षण किया? शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए और ये मशीन 14 टेस्ट कम्प्लीट करती है, उसी का निरीक्षण था मुख्य रूप से। इसके अलावा यहाँ विशेषकर रूप से कई चीज़ें प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि बाल मिठाई है और कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं और अब आइसक्रीम का भी समय आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सर इन उत्पादकों से? दुग्ध संघ के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएँ बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये